दोस्तों जिहड़े भी बच्चे ने सीरीयसली एग्जाम की तैयारी की है उन्होंने चंगी तरह पता पंजाब का जो कोई भी तुसी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे उस विच जीके का काफ़ी बड़ा रोल होंगे। तो जीके के अंदर इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड भी 5 तो लैके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में ज्योग्राफी रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए तो टोटल मैं तुम्हें 5 क्लासेस प्रोवाइड करावगा जिस विच 150 तो लैके 200 तक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड डायरैक्टली ये एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ने काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं तो आने के चांस भी ने। हुण तुसीं चाहे जिहड़े भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो FCI अपना सब इंस्पैक्टर या IA कॉन्स्टेबल सारे वास्ते ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले ने तो हम आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड मैं वीडियो में कमेंट करके दस दो नैक्सट जो टॉपिक आप किस रिगार्डिंग क्लास तुम्हें प्रोवाइड करवाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कहना दोस्तों भारत का किहड़ा राज सब तो लंबा समुद्री तट रेखा रखता है, मतलब कि किहड़ा राज है किहड़ा किहड़ी स्टेट है जिहड़ी सब तो लंबी समुद्री तट रेखा है जिसकी। तो ऑप्शन ए आंध्रा प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। जो तुम्हें पता है इस सवाल का आंसर तो वीडियो में कमेंट कर दो, बाकी नाल दी नाल मैं भी कवर अप करता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गुजरात है। दोस्तों गुजरात की जी समुद्री तट है सब तो लंबी समुद्री तट भारत की मनी जाती है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए भारत का सब तो दक्षणी बिंदु कितने है, सॉरी भारत का दक्षणी बिंदु कितों स्टार्ट होंगे ये क्वेश्चन यही कहना चाहता दक्षणी बिंदु कितों स्टार्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, भारत का जोड़ा दक्षणी बिंदु है वह निकोबार तो स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए दोस्तों खेत्रफल दे लिहाज नाल भारत का सब तो वड्डा राज केड़ा है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार एग्जाम्स में ही रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है जोड़ा वह खेत्रफल के हिसाब नो सब तो बड़ा राज है एंड जो जनसंख्या के हिसाब न पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सब तो बड़ा जनसंख्या के हिसाब न स्टेट है अपना भारत का। क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए हेठ लिखा में कि अक्षांश भारत में लंघता है, ऑप्शन नंबर ए भूमध रेखा, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा है जोड़ा वो भारत के मध्य विचों गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए कर्क रेखा भारत के डैश विचों लंघती है, जिमें कि मैं उप तुम्हें ऑलरेडी यह समझा दी है कर्क रेखा कितों निकलती है अपनी भारत के मध्य विचों, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों एक गल होर जी तुसी हाले तक मेरा टैलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता उस पर क्लिक करके टैलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लो एंड जो वट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो वट्सअप ग्रुप का भी मैं लिंक दे दिता जिस विच तुहानू स्टडी मटीरियल एंड क्लासेस रिगार्डिंग पूरी इनफॉर्मेशन तुहानू मिलती रहेगी। तो हुण आपां क्वेश्चन नंबर 6 की गल कर रही हां भारत की सब तो लंबी सरहद हेठ लिखिया देशों विचों किस नाल सांझा करता है, मतलब जिहड़े अपने बॉर्डर ने भारत की सब तो लंबा बॉर्डर किहड़े देश नाल सांझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए भारतीय मियारी समय, मतलब कि भारतीय समय तो ग्रीनविच समय में कि अंतर है, जिमें कि आपको पता भारत में टाइम कुछ होर हों फोरन जोड़ा कि कोई होर टाइम हों, जो अंतर है वह किन्ने घंटे का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 4.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 5.5 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.5 घंटे का अंतर है अपने भारत के टाइम का जो फोरन का टाइम है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए खेत्रफल के लिहाज न पूरी दुनिया में भारत का स्थान किहड़ा है, मतलब खेत्रफल अपनी जिन्ना भी एरिया भारत का उस हिसाब न भारत ने किन्ना एरिया घेरिया हुआ है, तो उससे स्थान किमें इसका स्थान है अपने भारत का ऑप्शन नंबर डी 7वां स्थान है। खेत्रफल के लिहाज में देखिए तो भारत का जोड़ा अपना स्थान है ऑल वर्ल्ड 7वां इसका स्थान है। एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है काफ़ी मेहनत नाल इन्ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना तुम्हें क्लास के रूप में, सिर्फ वीडियो में देखा ना करो राइट डाउन भी करा करो एंड जो तुम्हें बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, अपना कोई खर्च नहीं आता चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक करने।
ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ 40,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਅਦਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਝਾਰਖੰਡ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮਣੀਪੁਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਡਰੰਡ ਲਾਈਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਉਸਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਲਾਵਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਲਾਵਰ ਤੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੀ ਨਾਮਕ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊ ਮੂਰ ਟਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਨਿਊ ਮੂਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨਿਊ ਮੂਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਾੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਾੜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਰਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਾੜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ K2 ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ K2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ K2 ਗੋਡਵਿਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਲੇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜੋਜੀਲਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ FCA ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, भारत की सब तो लंबी नदी कीड़ी है? तो सब नूं पता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा है जी, भारत की सब तो लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, भारत के कि राज्य में सब तो वध जंगली खेतर है, मतलब कि जंगली एरिया कि स्टेट में है? तो सब तो वध जो वो मध्य प्रदेश का एरिया है जोड़ा वह जंगली खेत्र ने घेरिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वह मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, भारत में गर्म खंडी सदाबहार जंगल कितने पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा केरल में। केरल में ही सिर्फ भारत के सिर्फ केरल एरिए ही गर्म खंडी सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, भारत में मारूथल की राजधानी किसनों कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मारूथल की राजधानी याद रखियो जैसलमेर में कहा जाता है। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जयपुर जिमें राजस्थान की राजधानी इस ही टिक मार कर आते हैं, पर यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। इस करके जैसलमेर है जिसनों मारूथल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, हेठां दित्ते राज्यों विचों केड़ा भारत में सब तो वध चाह उत्पादक है? ईजी क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर तुहानूं नहीं दसांगा, तुसीं वीडियो विच कमेंट करके मैनूं दस दिओ कि भारत विचों किहड़े किहड़े खेत्र विच सब तो ज़्यादा चाह की खेती की जाती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन तुहाडे सामने ने, गैस करो किहड़ा, एंड वीडियो विच कमेंट करके दस दिओ। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, भारत विच किहड़ी नकदी फसल निर्यात तो वध विदेशी मुद्रा कमाउंदी है? मतलब किहड़ी फसल नूं आपां विदेशों में भेजते हैं तो पैसे कमाने तो वह कि चाह की खेती ही है। चाह नूं आपां फॉरन विच भेजते हैं तो उन्हां तों इनवैसटमेंट कमाने। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, रबड़ के उत्पादन विच भारत का मोहरी राज किहड़ा है? मतलब कि सब तो भारत विच सब तो ज़्यादा रबड़ किहड़े राज विच पैदा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है केरल विच। केरल है जिहड़ा रबड़ के उत्पादन में सब तो अगे है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, कच दी चूड़ियों का उद्योग, यह ईजी क्वेश्चन है बट काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। कच दी चूड़ियों का उद्योग लई किहड़ा राज्य प्रसिद्ध है, मतलब किहड़ा एरिया प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद नामक एक यूपी विच एरिया यह कच दी चूड़ियों के व्यापार वास्ते बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। तो याद रखियो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, पोंग डैम किस नदी उत्ते बनया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सतलुज, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो पोंग डैम दोस्तों याद रखियो ये भी डैम्स रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो फ्यूचर में मैं तुम्हें सारे ही डैम जोड़े भी नदियों उत्ते ने उन्होंने बारे एक अलग तो क्लास तुम्हें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करा। तो हूँ पोंग डैम याद रखो दोस्तों ब्यास नदी पर बनया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, नागार्जुन सागर प्रोजैक्ट भारत के किस राज्य में है? मतलब कि नागार्जुन नामक एक प्रोजैक्ट स्टार्ट किया होया यह किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में यह स्टार्ट किया होया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, फुलों की घाटी दोस्तों फिलहाल कि सब इंस्पैक्टर के एग्जाम में यह क्वेश्चन एज इट उठ के आया सी, थोड़ा माइंड कर लो इसको भी फुलों की घाटी किस राज्य में कहा जाता? तो उत्तराखंड में फुलों की घाटी के नाम नाल भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, भारत का सब तो बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कितने स्थित है? तो गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर। तो गोरखपुर जिहड़ा तगमा मिला हुआ है कि भारत का सब तो बड़ा जो रेलवे स्टेशन है रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा जो गोरखपुर हो जाएगा।